आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्णिया रुपोली स्टेट हाईवे के सिंघाड़ा पट्टी चौक के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने कोचिंग संस्थान जा रहे छात्र अभिनंदन कुमार को रौंद दिया, जिससे अभिनंदन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र अभिनंदन कुमार उर्फ अभय कुमार बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी सोनेलाल शर्मा का पुत्र था। मृतक के परिजन ने बताया कि अभिनंदन कोचिंग के लिए रोजाना की तरह आज भी सुखवा टोल जा रहे थे। इसी दौरान सिंघाड़ा पट्टी चौक के नजदीक पीछे से एक तेज रफ्तार हाईवा ने उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा सिंघाड़ा पट्टी चौक पर SH-65 को जाम कर दिया। हाईवा ड्राइवर तेज रफ्तार में अपने वाहन को लेकर फरार हो गया, जिसे कुंदन कुमार और आदित्य राज के द्वारा हाईवा को रुपोली दरगाह से घेर कर पकड़ लिया। वहीं कुंदन ने अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं ड्राइवर को स्थानीय थाना भवानीपुर पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतार लगी रही। आनन फानन में धमदाहा पुलिस को सूचना मिलते ही धमदाहा थाना अध्यक्ष रंजन सिंह, ASI धर्मेंद्र सिंह, ASI राजकुमार ठाकुर, बिशनपुर पंचायत के मुखिया अमर मंडल, उप मुखिया दीपक सिंह, पंकज घटनास्थल पर पहुंचकर मृत छात्र के परिजनों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम को हटाया। वहीं धमदाहा पुलिस ने मृत छात्र के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं परिजनों में कोहराम सा मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? चमकलाल दास जी। चमकलाल दास, क्या करता था आपका पोता? स्कूल पर है। की नाम लिया उकर? अभिनंदन कुमार शर्मा। उनका पिताजी का नाम? सुनीलाल शर्मा। केना भले एक्सीडेंट यहाँ? यार पर है ना स्कूल पर है जा रहा मार बिल्कुल। आई कौन गाड़ी पकड़ाया? ना कहाँ पकड़ा जी गाड़ी? कहीं का पकड़ा गले थे? आप पकड़ते थे भी है? गाड़ी पकड़ाया? हाँ कहीं गाड़ी पकड़ाया। कुछ नहीं छोड़ा, गाड़ी कुछ नहीं है। पहले ये सब भरो यहाँ पे। आज के अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।